दोस्तों, अगर आप एक परफेक्ट और एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो अब आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी हो गया है। यानी कि जितना आपको एक्सपीरियंस टेली सॉफ्टवेयर में या किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में लेना होगा, उससे कहीं ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आज के टाइम में अकाउंटेंसिंग और टैक्सेशन की कंप्लायंस को देखते हुए, उनकी डिफ़िकल्टी को देखते हुए, कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं कर पाते हैं, या अगर वो चीज़ कर पाते हैं तो उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर में अलग से पैसा हमें देना पड़ता है। लेकिन वो जो काम हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं कर पाता, वो काम हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कुछ मिनटों के अंदर ही उसका सॉल्यूशन हमें निकाल के दे देता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा हर मंथ जो एक अकाउंटेंट को प्रॉब्लम एक फेस करने को पड़ती है, वो होता है हमारा ITC मंथ वाइज। तो यानी कि जब भी हम हमारी कंपनी की GST 3B को फाइल करते हैं, तो उससे पहले हम एक बार हमारा GST 2A 2B को एक बार हम जरूर चेक करते हैं। जब हम चेक करते हैं तब हमें पता चलता है भी कुछ एक इनवॉइस हैं, परचेज इनवॉइस है, जो हमने हमारे टैली सॉफ्टवेयर में या जो भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो उसमें तो हमने कर रखा है, लेकिन वो हमारा ऑनलाइन पोर्टल पे 2A 2B के अंदर अभी अपडेट नहीं हुआ है। या फिर कुछ ऐसा रिकॉर्ड होता है वो जो 2A 2B के अंदर तो रिकॉर्ड अपडेट है, लेकिन उसकी एंट्री हमने सॉफ्टवेयर में नहीं कर रखी है। तो इस टाइप के डिफरेंस आपको हर मंथ देखने को मिलेंगे, और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जिन्होंने अभी शुरुआत करी है कंपनी में एज ए अकाउंटिंग जॉब के लिए। जो एक्सपीरियंस है उनको सब पता होता है भी हमें किस तरीके से डाटा को रिकनसाइल करना होता है, और जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आने की वजह क्या हो सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो एक फ्रेशर अकाउंटेंट के लिए मैं बना रहा हूँ, और बहुत ही इजी वे के अंदर आपको मैं समझाने वाला हूँ भी अगर आपको कुछ इस तरीके का डाटा मिल जाए भी, आपके पास कुछ एक ऑनलाइन रिकॉर्ड है और कुछ आपके पास टैली सॉफ्टवेयर का रिकॉर्ड है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को आपको क्लियर किस तरीके से करना होगा। तो सारी बातें दोस्तों इस वीडियो में हम आपको मैं प्रैक्टिकल तरीके से समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना, तभी आप प्रॉपर समझ पाओगे भी हमें एक्सेल का नॉलेज होना कितना कंपलसरी है। अगर आपको एक्सेल का नॉलेज हो जाता है आप, और इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे ना, वो करेंगे हम 2A के डाटा को, बुक्स के डाटा को, और 2A के ऑनलाइन रिकॉर्ड को पाइवेट टेबल की मदद से किस प्रकार से रिकनसाइल हम करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप की इंपॉर्टेंट वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, इस वीडियो को प्रैक्टिकल बनाने के लिए मैंने कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड लिया हुआ है, आप देख रहे हो मेरे पास यहाँ पर 3 सीट मैंने क्रिएट की हुई है, हमारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। तो दोस्तों, एक सीट है इसके अंदर हमारे पास जो 2A 2B के अंदर जो हमारा डाटा ऑटो पॉपुलेट जो होता है 2A 2B का, उसका रिकॉर्ड मैंने ले लिया, और सेकंड सीट के ऊपर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो हमने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री कर रखी है, टैली सॉफ्टवेयर के अंदर जो परचेज इनवॉइस की एंट्री कर रखी है, उसके अंदर जो हमारा रिकॉर्ड है वो मैंने यहाँ पर ले लिया। बात करते हैं तीसरी सीट कंसोलिडेटेड, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे पास 2A का रिकॉर्ड, और 2A का रिकॉर्ड का मतलब क्या हो गया भी, हमारा ये पोर्टल का डाटा है। तो हम इसको एक बार टैक्सेबल वैल्यू, इसका CGST, SGST और IGST का एक बार हम टोटल कर लेते हैं जो हमारा 2A के ऑनलाइन में आ रहा है। क्योंकि अब आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आपको हर मंथ देखने को मिलेगी मिलेगी, आपके पास डाटा है पोर्टल पर नहीं है, पोर्टल पे तो डाटा है लेकिन आपकी एंट्री नहीं है, तो हमें अगर एक एक एंट्री को मिलान करेंगे तो बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए हम एक सेकेंड के अंदर इसको पाइवेट टेबल की मदद से किस तरीके से हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर का मतलब जो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है उसका भी हमें पता चल जाएगा, और जो रिकॉर्ड पोर्टल पे है और हमारे पास नहीं है उसका भी हमें पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारे पास ऑनलाइन रिकॉर्ड, और इसका हम टोटल यहाँ पर लगा लेते हैं, एल्ट के साथ हम इक्वल का निशान प्रेस करेंगे तो यहाँ पर टोटल आ गया। तो इसी तरीके ये टैक्सेबल टोटल है, CGST टोटल, SGST टोटल, तो ये हमारा 4 का टोटल आ गया। तो दोस्तों, प्राइवेट टेबल लगाने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अब आपको करना क्या होगा भी, जो आपने हेडिंग क्रिएट करी है, यानी कि हेडिंग का मतलब क्या हो गया भी, जो आपने जैसा कि हमारे पास सबसे पहले सप्लायर्स का नाम है, GST नंबर है, GST का पीरियड है, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की वैल्यू, डेट, यानी कि ये जो सब कुछ रिकॉर्ड है ये हमारा टेबल वाइज है, कॉलम वाइज है, और ये हमारा हेडिंग वाइज है।
और उसके बाद जो आपने रिकॉर्ड आपके बुक्स का जो रिकॉर्ड है उसी को आपको सेम सीक्वेंस के अंदर ही रखना हेडिंग वाइज, यानी कि सप्लाई नेम के अंदर सप्लाई नंबर आना चाहिए, जीएसटी नंबर के अंदर जीएसटी नंबर आना चाहिए। और दूसरी बात, आपके इस सीट के अंदर कोई भी जो कॉलम है या कोई भी रो है वो मर्ज नहीं होनी चाहिए। मर्ज का मतलब कोई भी डाटा आपका जैसे यहाँ पर 2-3 आ गया और मर्ज किया हुआ है, तो वो मर्ज नहीं होना। उसके लिए आपको सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लो और आपको यहाँ से अनमर्ज करना पड़ेगा। अनमर्ज करोगे तो रिकॉर्ड आपका प्रॉपर सही तरीके से डाटा शो होगा। और कंसोलिडेटेड के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर दोनों का रिकॉर्ड मैंने कंबाइन कर लिया, यानी कि हमारे टैली का डाटा भी इसके अंदर है और टैली के जस्ट नीचे हमने जो हमारा ऑनलाइन का जो रिकॉर्ड था उसको मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया सीक्वेंस वाइज के अंदर, यानी कि जीएसटी नंबर के कॉलम के अंदर प्रॉपर हमारे जीएसटी नंबर है, चाहे वो हमारा बुक्स का रिकॉर्ड हो चाहे हमारा ऑनलाइन का रिकॉर्ड हो। तो आपको इसी तरीके से करना, ऐसा ना हो भी आपके पास हेडिंग के अंदर तो हो आपका जीएसटी नंबर, आपके बुक्स का तो जीएसटी नंबर आ रहा है लेकिन वहां से कॉपी करते वक्त आपका जो जीएसटी नंबर हेडिंग की जगह आपके पास सप्लायर का नाम आ रहा हो या इनवॉइस नंबर आ रहा हो या इनवॉइस की डेट आ रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक बार इसका जो हमारी बुक्स का जो टोटल है टैक्सेबल वैल्यू का, सीजीएसटी का, एसजीएसटी का और आईजीएसटी का, इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। टोटल किया, सीजीएसटी और एसजीएसटी का टोटल आ गया। अब डिफरेंस हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले टू वैल्यू के डाटा को हम एक बार यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए भी डिफरेंस कितना है। कंट्रोल सी, और यहाँ पर हम आने के बाद करेंगे इसको 2A के रिकॉर्ड के अंदर पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल के अंदर आपको क्या करना है, वैल्यू लेना होगा क्योंकि हमें फॉर्मूला नहीं चाहिए। तो अब आप देख सकते हो भी डिफरेंस आपको साफ नज़र आ रहा है, यानी कि ये हमारा 2A का रिकॉर्ड है और ये हमारा बुक्स का रिकॉर्ड है। अब बुक्स के रिकॉर्ड के अंदर बात करें भी 2A माइनस बुक्स के रिकॉर्ड को अगर हम माइनस करते हैं तो ये डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि 2A के अंदर आपका रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा आ रहा है और बुक्स के अंदर कम आ रहा है। इसी तरीके से आपके टैक्स की अमाउंट के अंदर भी डिफरेंस आ रहा है। तो अब ये कुछ ज़रूरी नहीं है भी 2A के अंदर आपका रिकॉर्ड ज़्यादा आ रहा है तो 2A के अंदर इनवॉइस ज़्यादा है, बुक्स के अंदर आपने कम एंट्री कर रखी है। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है भी 2A के अंदर तो इनवॉइस है वो हमारे बुक्स में नहीं है, और कुछ ऐसा रिकॉर्ड भी इसके अंदर हो सकता है जो हमारे बुक्स में तो है लेकिन 2A के अंदर नहीं आ रहा। तो हमें दोनों को फिल्टर कर लेना है यहाँ पर। तो चेक करेंगे ऑल ओवर इतना ही डिफरेंस हमें पाइवट टेबल की मदद से मिलता है या नहीं मिलता। तो कंसोलिडेटेड के अंदर मैंने इसको कर लिया और लास्ट के अंदर मैंने यहाँ पर एक रिमार्क्स लगा लिया। अब रिमार्क्स के अंदर क्या होगा भी, ये जो येलो कलर के अंदर जो डाटा है वो मेरा सारा का सारा बुक्स का डाटा है, और ये जो डाटा है ये मेरा ऑनलाइन का रिकॉर्ड है, इसके आगे मैंने ऑनलाइन 2A लिख दिया। तो इसे क्या होगा, हमें फिल्टर करते वक्त आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले हेडिंग 1 पे आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना होगा जो आपकी हेडिंग है यहाँ पे, और उसके बाद में आपको जाना है इंसर्ट पे, पिवट टेबल पे। तो जैसे हम पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे तो एक बार आप देख लो, वैसे तो ये क्या करेगा, एक्सेल की जितनी भी रेंज होगी, जितना भी डाटा आपका इसके अंदर है उस डाटा को ये ऑटोमेटिक कवर कर लेगा, लेकिन फिर भी आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है कि सारा का सारा रिकॉर्ड इसने कवर किया कि नहीं। ये आप देख सकते हो ये चारों साइड के अंदर आपको कुछ इस तरीके से डैश डैश है ये दिखाई देगी, यानी कि इसका मतलब ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड आ चुका है। हो सकता है कई बार ना हो तो आपको यहाँ से मैनुअली करना पड़ेगा। और उसके बाद में ये जो हमारा रिकॉर्ड है ये न्यू वर्कशीट के अंदर सेव होने वाला है। न्यू वर्कशीट का मतलब जैसे अभी तक हमारे पास 3 सीट है, 2A, 2A बुक्स की और कंसोलिडेटेड, और जैसे हम इस पे ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखते हो यहाँ पर एक सीट 1 का जो रिकॉर्ड है, जो सीट है हमारे पास वो जनरेट हो गई है, और जो हमारा प्राइवेट टेबल बनने वाला है वो सीट 1 पे तैयार होएगा। तो जैसे हम तैयार होएगा तो ये कुछ इस तरीके की आपके पास स्क्रीन आ जाएगी, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये प्राइवेट टेबल की एक फील्ड आ जाएगी। अब फील्ड के अंदर क्या होगा, यहाँ पर आप जो ये जो नाम देख रहे हो ना, सप्लायर नेम, जीएसटी नंबर, गेट इन पीरियड, ये वही रिकॉर्ड है जो हमने यहाँ पर शुरुआत के अंदर हेडिंग के अंदर दिया था, और जिस हेडिंग के अंदर हमने दिया था उसी सीक्वेंस के अंदर आपको यहाँ पर भी शो करेगा पहला कॉलम क्या था, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, इसी के अकॉर्डिंग। तो अब इस टेबल के अंदर, फील्ड के अंदर आपको यहाँ पर चार चीज़ें भी देखने को मिलेगी। पहला फिल्टर, कॉलम, वैल्यू और रो, यानी कि कुछ रिकॉर्ड हमें कॉलम के थ्रू देखना होता है और कुछ थ्रू हमें कॉलम का मतलब इस तरीके से, और ये रो का मतलब ये कुछ रिकॉर्ड हमें इस तरीके से भी देखना होता है। और वैल्यू के अंदर क्या चीज़ आ जाएगी, वैल्यू के अंदर आ जाएगी, वैल्यू हम किसको मानते हैं, जिसका हमें डिफरेंस निकालना होता है। डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस किस अमाउंट के अंदर आएगा,
भी यह तो आपकी टैक्सेबल टोटल वैल्यू में आएगा या टैक्सेबल वैल्यू में आएगा, IGST में हो सकता है, CGST में हो सकता है, SGST में हो सकता है या फिर सेस में हो सकता है। तो ये जो अमाउंट होती है ना, ये हमारी वैल्यू के अंदर जाती है। अब हमारा कोई इन्वॉइस नंबर है, ये कोई वैल्यू नहीं है, प्लेस ऑफ सप्लाई कोई वैल्यू नहीं है, इन्वॉइस नंबर कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि जिसका हमें डिफरेंस निकालना होता है वो हमारी वैल्यू होती है। तो यानी कि इस वाली वैल्यू के अंदर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ड्रॉप डाउन नीचे स्क्रॉल करके नीचे करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए भी, टैक्सेबल वैल्यू आपको चाहिए भी, टैक्सेबल वैल्यू में डिफरेंस आता है कि नहीं आता वो आपको देखना है। तो आप क्या करोगे, इसको ड्रैग करके वैल्यू के अंदर डाल दोगे। तो अब आपको टैक्सेबल का भी चाहिए तो IGST का भी चाहिए, CGST का भी चाहिए और SGST का भी चाहिए। अगर आपके पास सेस है तो आप सेस का भी यूज कर सकते हो। तो अब आप देख सकते हो ये आपका रिकॉर्ड यहाँ इस तरीके से नजर आएगा भी, सम ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, सम ऑफ IGST, सम ऑफ CGST, सम ऑफ SGST का। अगर आप चाहते हो भी IGST बिल्कुल लास्ट में है, CGST SGST पहले आए और IGST बाद में आए, तो आप यहाँ से इसका सिक्वेंस भी चेंज कर सकते हो। इसको हम थोड़ा सा एक बार बड़ा भी कर लेते हैं यहाँ से। अगर आपके पास ये गायब हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आप ये जो डाटा दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करोगे ना तो वो आपके पास ये फील्ड वापस आ जाएगी। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, IGST को मूव करके नीचे कर देंगे। तो आप देखो जैसे मैंने मूव ऊपर कर दिया तो ये जो है IGST अभी बिल्कुल लास्ट में चला गया, SGST और CGST पहले आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ देखना है, आपको ये जो टोटल दिखाना है सम ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। तो अब आपके पास हो सकता है यहाँ पर काउंट भी आ सकता है, तो आप जैसे एक बार इस पर क्लिक करोगे ना तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा वैल्यू फील्ड सेटिंग। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं आपका काउंट पे क्लिक है, तो काउंट से करने से क्या चीज़ हो जाएगा, अब यहाँ पर दिखा दो भी आपका टोटल 147 रो आपके पास बनी हुई है। तो इसने इसका संख्या का जोड़ लगाने की बजाय इसने संख्या को गिन लिया। गिन लिया का मतलब क्या हो गया, आपने इस तरीके से इसने काउंट कर लिया, अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से इसने काउंट कर लिया, यानी ये दिखा रहा है आपके पास 147 टोटल कॉलम इसकी रो संख्या है। तो लेकिन हमें रो संख्या तो काउंट तो कोई मतलब नहीं, हमें तो वैल्यू चाहिए होती है। तो आपको इस पर क्लिक करना होगा, वैल्यू फील्ड पर जाना होगा और आपको सम पर क्लिक करना होगा। तो सम पर क्लिक करेंगे तो इसका टोटल आपके पास शो कर देगा। अब यहाँ पर ये रिकॉर्ड तो आ गया, अब हमें ये रिकॉर्ड चाहिए GST नंबर वाइज, हमें भी कौन सी GST नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो आपको ऊपर करेंगे GST नंबर को हम डालेंगे रो में। अब रो में डाले के क्या करेंगे तो ये रिकॉर्ड इस तरीके से आ जाएगा। अब ये रिकॉर्ड अभी तक आधा अधूरा आया है, क्योंकि अब हमें पता कैसे चलेगा भी ये जो रिकॉर्ड आ रहा है, अब ये जो रिकॉर्ड टेली का कौन सा है और ऑनलाइन वाला कौन सा है। तो इसके लिए हमें जो लास्ट वाला कॉलम हमें रिमार्क्स का जो हमने बनाया था इसको हम डाल देंगे कॉलम के अंदर। अब अगर आप इसको जैसे करके इसके अंदर डालोगे ना तो आपका रिकॉर्ड इस तरीके से आ जाएगा। दो तरीके से आपको ये रिकॉर्ड शो कर सकते हो, दोनों तरीका आपको मैं बताने वाला हूँ। अब इस तरीके से अगर हम करेंगे ना तो आप देख सकते हो, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और अब यहाँ पर आपको ये रिकॉर्ड दिखाएगा भी सम ऑफ टैक्सेबल आपका टेली का रिकॉर्ड तो ये आ रहा है और ऑनलाइन का ये आ रहा है, यानी कि ये डाटा आपका मैच हो रहा है। तो यानी कि ये इसका आ रहा है टोटल, इसका ग्रैंड टोटल आ रहा है। तो आपको ग्रैंड टोटल अगर आपको नहीं चाहिए तो हम ग्रैंड टोटल को यहाँ से हटा सकते हैं, डिजाइन पर हम जाएंगे और इसका जो सब टोटल जो इसका आ रहा है डू नोट सब टोटल, तो ये डू नोट सब टोटल आपका हट जाएगा, आपको केवल और केवल यहाँ से रिकॉर्ड ही दिखाई देगा, यानी कि ये GST नंबर है और इस GST नंबर का जो रिकॉर्ड है वो बुक्स के अंदर ये है और टेली के अंदर ये है। तो अब यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, तो हम क्या करेंगे इस रिमार्क्स को यहाँ से हटा के इसको कॉलम की फील्ड में डाल देंगे। तो जैसे हम कॉलम में फील्ड में डालेंगे ना तो अब ये रिकॉर्ड अब क्या हुआ आमने बिल्कुल इक्वल बराबर में आ गया आपके। बराबर में आने का मतलब क्या हो गया भी ये जो रिकॉर्ड दिख रहा है ये तो आपका दिख रहा है सॉफ्टवेयर का रिकॉर्ड और ये आपका ऑनलाइन का रिकॉर्ड है, यानी कि ये GST नंबर आ गया। इस GST नंबर से संबंधित आपके बुक्स के अंदर टैक्सेबल वैल्यू का टोटल ये है, ऑनलाइन का ये है, यानी कि ये बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इसका मतलब बुक्स के अंदर भी रिकॉर्ड उतना ही है 153,000 का और ऑनलाइन के अंदर भी उतना ही शो कर रहा है। तो इसी तरीके से आपके इसके टैक्सेबल वैल्यू CGST SGST वो भी मैच करेगा। तो हम इसको एक बार यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, फॉर्मेट पे जाना है और ऑटो फिट कॉलम विड्थ पर क्लिक कर देना है। इसमें क्या होगा जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो हट जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है वे टोटल ऑफ सम टैक्सेबल वैल्यू। अब हमें टैक्स ऑफ सब इसका सब वैल्यू की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि अब आप देख रहे हो यहाँ पर टोटल ऑफ सम टैक्सेबल वैल्यू है इसका, ये जो टोटल आपको जो दिखा रहा है ना 3,06,000 का। अब ये 3,06,000 रुपये का टोटल आपको कौन सा दिखा रहा है, ये कह रहा है भी आपका बुक्स का भी 153,000 है और ऑनलाइन का भी 153,000 है, तो इन दोनों का टोटल करके यहाँ पे दिखा रहा है। इसी तरीके से आगे टैक्स की वैल्यू को भी दिखाएगा,
ठीक है, अब हमें इसकी तो जरूरत ही नहीं है, हमें तो केवल अमाउंट का डिफरेंस निकालना है, टोटल से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो टोटल सम ऑफ टोटल आ रहा है इसको हम यहाँ से हटा देंगे। आप चाहो तो इसको हाइड भी कर सकते हो, यहाँ से आपको राइट क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और हाइड भी क्लिक कर दिया, यानी कि वो डाटा भी यहाँ से आपका डिलीट एक बार आपको शो नहीं करेगा। अब आपका मोटा मोटी काम यहाँ पर हो चुका है एक बार, तो लेकिन अब इसका डिफरेंस निकालना हम सीखेंगे किस तरीके से निकालेंगे। तो अब हम एक बार इसमें से माइनस करके देख लेते हैं, यानी कि बी इक्वल का निशान लगाया, बी 20 माइनस सी 20, यानी कि अब आप देख सकते हो ये डिफरेंस आपका आ रहा है 86245 का, और ये हमने यहाँ पर डिफरेंस निकाला था 86245 का। तो अब हमारा लगभग काम यहाँ पर हो चुका है, अब हम चाहें तो इसको इजी तरीके से इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम तीन कॉलम और बना लेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे टैक्सेबल वैल्यू का, ताकि आपको पता चल जाए टैक्सेबल, उसके बाद CGST, उसके बाद SGST और उसके बाद में IGST। उसके बाद हम करेंगे क्या, जो हमारे बुक्स का टैक्सेबल टोटल है और ऑनलाइन का टोटल है उसमें से एक बार हम इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस में करने के लिए हम क्या करेंगे इक्वल, उसके बाद हम इसकी बी की जो रेंज है वो दे देंगे, यानी कि बी सिक्स माइनस C6। ओके, इसी तरीके से हम CGST का डिफरेंस अगर हमें निकालना हो तो आप CGST इक्वल कोई दिक्कत नहीं, आप इसका निकाल सकते हो वैसे भी। तो CGST का जो आपका कॉलम है, पहले आपके पास SGST है तो S कर दो, आगे वाले में C कर दो, तो इक्वल। और उसके बाद में CGST का जो हमारा टोटल आएगा वो आएगा D6 माइनस ऑनलाइन का जो रिकॉर्ड आ रहा है वो E6 का है। और इसी तरीके से CGST के लिए CGST का जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास है F6 माइनस G6। इसी तरीके से IGST का डिफरेंस, यानी कि इक्वल H6 माइनस I6। तो यानी कि इस GST नंबर के थ्रू कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो सभी को हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी और नीचे तक जहाँ तक हमारा डाटा आ रहा है वहाँ तक हम करेंगे इसको पेस्ट, एंटर प्रेस कर दिया। तो अब आपके सामने डिफरेंस आ गया। अब डिफरेंस क्या आ गया ये रिकॉर्ड देखते हैं, यानी कि जिसके अंदर जीरो आ गया इसका मतलब उस अमाउंट के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपके पास यहाँ पर आपको ये डिफरेंस नज़र आ रहा है 35,221 का। अब ये 35,221 का डिफरेंस का आने का मतलब क्या हो गया, यानी कि इस GST नंबर के थ्रू अब क्या रिकॉर्ड बोल रहे हैं भी आपका टेली के अंदर तो आपका इनवॉइस का जो टोटल है टैक्सेबल वैल्यू आ रहा है 3,24,000 का, और ऑनलाइन दिखा रहा है 2,89,000 का। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ भी आपने इस GST नंबर है ये जो पार्टी है इसके इनवॉइस नंबर आपके टेली सॉफ्टवेयर में तो ज़्यादा है लेकिन पोर्टल पे कम आ रही है। एक चीज़ तो ये क्लियर होगी। अब कौन कौन से इनवॉइस है उसको भी हम देखेंगे, उसका डिफरेंस आपको भी हम बताएंगे। और उसके बाद में यहाँ इनवॉइस देख रहे हो यहाँ पर तो बिल्कुल बराबर में है, प्लस पे है, और यहाँ माइनस में है। अब माइनस में होने का मतलब क्या हो गया, माइनस में होने का डिफरेंस अगर हम आपको दिखाते हैं तो अब ये देख रहे हो ये GST नंबर है। अब इस GST नंबर के थ्रू क्या हुआ भी आपके बुक्स के अंदर तो एंट्री कम है और आपके पोर्टल पर ज़्यादा है। अब पोर्टल पर यानी कि यहाँ पर तो आ रहा है टोटल 1,166 और वहाँ पे आ रहा है 1,54 का, यानी कि ऑनलाइन रिकॉर्ड ज़्यादा आ रहा है, पोर्टल पे आपका इनवॉइस है जो ज़्यादा आ रहा है। तो उसी की वजह से आपकी अमाउंट में फ़र्क आ रहा है, टैक्सेबल अमाउंट में फ़र्क आएगा तो CGST और SGST के अमाउंट के अंदर भी डिफरेंस शो करेगा। तो यानी कि कहने का मतलब हो गया अब ये डिफरेंस तो हमें पता चल ही गया भी इन दो GST नंबर के अंदर डिफरेंस है। अब हमें इसका डिफरेंस निकालना है। निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये जो GST नंबर की जो अमाउंट आपको दिखाई दे रही है ना इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपके ये जो रिकॉर्ड हमने क्लिक किस पे किया था, इस अमाउंट के ऊपर, यानी कि ये हमारा टेली का रिकॉर्ड है। तो जैसे टेली रिकॉर्ड पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके ये टेली के अंदर इस GST नंबर से संबंधित जितने भी इनवॉइस की एंट्री आपने कर रखी है वो सारा का सारा रिकॉर्ड आपका यहाँ आ जाएगा। और अब हम चलते हैं सीट नंबर वापस पे और इसके अंदर ऐसा इनवॉइस है, इस पर हम डबल क्लिक कर लेते हैं तो अब 2A के अंदर जो इनवॉइस आ रहे हैं उसका सारा डाटा आपके सामने आ जाएगा। अब आपको करना क्या होगा, इसको वहाँ से आप कॉपी कर लो। इसको कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लिया और सारे डाटा को सिलेक्ट कर लिया, Ctrl+C, और अभी C2 पे ऊपर आपका डाटा रिकॉर्ड हुआ था, इसके नीचे हम Ctrl+V के साथ पेस्ट कर देंगे।
पेस्ट कर दिया। वैसे तो आपको अब क्या होगा, इस लास्ट के अंदर पता चल जाएगा भी ये आपका यहाँ से लेके और यहाँ तक आपका जो रिकॉर्ड है ये ऑनलाइन वाला है, और उससे ऊपर जो आपका रिकॉर्ड है बुक्स टेली यानी कि ये टेली का डाटा है। अब आपको ये तो चलो छोटा सा रिकॉर्ड है, हम इसको मैच कर लेंगे इनवॉइस वाइज, लेकिन अब हमें बड़ा डाटा हो आप डिफरेंस निकालना भी कौन कौन से ऐसे इनवॉइस है जो हमारे टेली सॉफ्टवेयर में तो है लेकिन बुक्स में नहीं है। तो आप करना क्या, सिंपल आप इस इनवॉइस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लो, कंडीशनल एंड फॉर्मेटिंग पे चले जाओ, हाइड सेल रूल पे चले जाओ और डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक कर दो, और जो जो आपके डुप्लीकेट कलर है उसका आपको यहाँ पे कलर आपको चेंज कर देना है। कस्टम फॉर्मेट पे जाना है, फिल पे जाओ, येलो कर दो, ये कोई भी कलर चेंज कर सकते हो, ओके पे क्लिक कर दो। तो अब यानी कि जो जो येलो हो चुके हैं वो डाटा आपका मैच है, और जो येलो नहीं हुआ वो रिकॉर्ड आपका मैच नहीं है। तो यानी कि इसका मतलब हो गया ये इनवॉइस नंबर है, ये इनवॉइस नंबर आपके सॉफ्टवेयर में तो है लेकिन ऑनलाइन डाटा आपका रिकॉर्ड शो नहीं कर रहा है। तो आप इस इनवॉइस को चेक कर सकते हो भी, गलती से इनवॉइस आपकी एंट्री कर दी या फिर कोई और रीज़न हो सकता है, तो आपको ये डिफरेंस यहाँ से आपको पता चला गया। इसी तरीके से हम जो हमारा नेक्स्ट रिकॉर्ड था इस रिकॉर्ड को हम चलते हैं, इस रिकॉर्ड को हम क्या करेंगे, इस डबल क्लिक करते हैं सबसे पहले टेली वाले पे, वापस सीट वन पे चलते हैं, इसको भी हम डबल क्लिक करते हैं ऑनलाइन पे। यानी कि अब आपका जो डाटा रिकॉर्ड जो बन गया चार और पाँच पे बन गया, तो आप कोई भी दिक्कत है वहाँ से डाटा आप पाँच नंबर पे ले आओ या पाँच वाला डाटा छः नंबर पे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए जैसे कि मैंने ये रिकॉर्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया, और पाँच नंबर के अंदर ये हमारा ऑनलाइन का रिकॉर्ड है, इस पर कंट्रोल वी कर दिया। तो अब यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा भी आपका ये जो रिकॉर्ड है ये तो आ गया बुक्स का और ये ऑनलाइन का ज़्यादा है। अब ऑनलाइन का वैसे ही मैं पता लग रहा है भी ऑनलाइन का रिकॉर्ड ज़्यादा आ रहा है, बुक्स का कम आ रहा है, लेकिन है कौन से इनवॉइस के अंदर डिफरेंस है, तो आपको सिंपल इनवॉइस नंबर पे आपको क्लिक कर देना होगा। अब आपकी हेडिंग सेम ही रहेगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी, इनवॉइस नंबर पे क्लिक किया, आपको वापस कंडीशन फॉर्मेटिंग पे चल जाना है, हाइड रूल पे चल जाना है, डुप्लीकेट वैल्यू पे, और डुप्लीकेट वैल्यू आप यहाँ से इसका कलर दे सकते हो जो कलर आप देना चाहते हो। ओके, यानी कि जिस जिस कलर के ऊपर कलर ऑटोमेटिक हो चुका है वो कलर, वो डाटा तो आपका मैच है, और जिस जिसके ऊपर कलर नहीं हुआ वो रिकॉर्ड आपके नहीं है। यानी कि अब ये जो रिकॉर्ड है, ऐसे रिकॉर्ड हैं, ये रिकॉर्ड अब आपके ऑनलाइन तो डाटा शो कर रहे हैं लेकिन आपके सॉफ्टवेयर के अंदर इसकी एंट्री नहीं है। अब क्यों नहीं है ये अब आपको देखना पड़ेगा भी, आपने ये गलती से कोई मिस्टेक कर दी या कंपनी ने गलती से आपके अकाउंट में दो बार ये से कुछ डाटा मिस्टेक हो सकता है, पर आपको इस चीज़ को क्लियर जरूर करना होगा ताकि आपका जब फाइनली डाटा GSTR 9.9 से आप तैयार करोगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आई, और GSTR 3 भी आपकी बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके से आप IT ले सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता भी हमारे पास इनवॉइस प्रॉपर पहुँचते नहीं है, या हमारे पास इनवॉइस आ गए हम उस बुक्स के अंदर एंट्री करना भूल गए हों, तो ये रिकॉर्ड आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम पिवट टेबल की मदद से डाटा को हम रिकनसाइल कर सकते हैं। और हम बात करते हैं वापस, तो अगर इस डाटा को रिकॉर्ड को हम इनवॉइस का पार्टी का नाम अगर हम साथ में देखना चाहें तो आप इस पार्टी के नाम को भी आप यहां से सप्लायर नेम को GST नंबर के साथ जोड़ सकते हो। अब इससे होगा क्या, ये जो रिकॉर्ड अब आपका आया है, अब इस रिकॉर्ड के थ्रू आपके ये जो GST नंबर है और ये GST नंबर पार्टी का नाम भी आपको बराबर में शो करेगा। यानी कि ये पार्टी का GST नंबर इस पार्टी का रिकॉर्ड है। अब इस पार्टी के ऊपर जैसे मतलब इस डाटा आ जाएगा और इस रिकॉर्ड के अंदर करेंगे तो इसके अंदर जैसे रिकनसाइल पीरियड, इनवॉइस नंबर, ये सब सारा का सारा रिकॉर्ड आपका शो करेगा। GST नंबर ऊपर करोगे तो ये डाटा आपका पार्टी का नाम पहले दिखाई देगा और GST नंबर है जो बाद में दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप अपने इस फिल्टर को अच्छी तरीके से रिकनसाइल आप कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक जरूर देके जाना, वीडियो को शेयर भी कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ वो भी कर देना।